हेलो नमस्कार आदाब सतस और असल मैं हुमामत अहमद काजमी लेकर आया हूँ आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर अमेरिका के लिए हर नया दिन नई नाकामी लेकर आ रहा है हर दिन वो और ज़्यादा अकेला और अलग थलग हो रहा है जैसे ही अमेरिका ने मंडे को ईरान के खिलाफ पाबंदियों का ऐलान किया चीन और रूस ने इसकी मुखालफत कर दी अब से पहले सिक्योरिटी काउंसिल में ईरान के खिलाफ हथियारों पर पाबंदियों के मामले में मुंह की खा चुका है एक भी सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर उसके साथ नहीं है उधर ईरान ने कहा है कि वो रूस और चीन से हथियार खरीदेगा और उसे कोई नहीं रोक सकता साथ ही रूस ने कहा है कि वो पाबंदियों के बावजूद ईरान को हथियार देगा वो जो हमसे चाहे हमसे खरीदे हमें कोई नहीं रोक सकता दिलचस्प बात यह है कि अमरीका ने न सिर्फ ईरान पर पाबंदी लगाई है बल्कि उन मुल्कों पर भी पाबंदी लगाने की धमकी दी है कि जो ईरान के साथ कारोबार करेंगे ऐसा लग रहा है कि ट्रंप इलेक्शन जीतने की कोशिश में घबराहट की हालत में उल्टे सीधे हाथ पैर मार रहे हैं मीडिया स्टार वर्ल्ड इन वाकयात पर पूरी तरह से नज़र रखे हुए है आज का एपिसोड काफ़ी दिलचस्प और इन्फॉर्मेशन से भरा हुआ है आखिर तक ज़रूर देखें खबर में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा पेज फॉलो कर लें और लाइक ज़रूर करें ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो की खबर सही वक्त पर मिल सके और अगर आपको हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप फेसबुक इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें दुनिया भर तक पहुँच सकें आज की बड़ी ख़बर यह है कि अमरीका ने ईरान के खिलाफ यूनाइट नेशंस की पाबंदियाँ लागू करने के अपने पहले के ऐलान की सपोर्ट में मंडे को ईरान की डिफेंस मिनिस्ट्री और इसके न्यूक्लियर और कन्वेंशनल हथियार प्रोग्राम में शामिल लोगों और संस्थाओं पर नई पाबंदियां लगा दी हैं इसको अमेरिका के यूरोपीय दोस्त मुल्कों और रूस और चीन ने खारिज कर दिया है ऐसे इशारे मिल रहे हैं कि इलाके में अमेरिका खतरनाक साजिश पर काम कर रहा है अमेरिकी विमान वाहक पोत यानी जंगी बेड़ा खाड़ी में पहुंच चुका है और उसने इस इलाके में सैकड़ों अमरीकी जंगी किश्तियों और जहाज़ों को हाई अलर्ट कर दिया है इस पर ईरान ने कहा है कि नई अमरीकी पाबंदियों का जिन 27 ईरानी संस्थाओं और परमाणु मिसाइल और ट्रेडिशनल हथियार के मैदान में काम करने वाले लोगों को निशाना बनाया गया है उन पर पाबंदियों का कोई असर नहीं पड़ेगा ईरान ने अमेरिका पर प्रोपेगंडा करने का इल्जाम लगाया है इसके साथ ही अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक नए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत किए हैं जिसका मकसद ईरान के साथ पारंपरिक हथियारों को खरीदने या बेचने वाले मुल्कों पर पाबंदियां लगाने को कहा गया है उधर अमरीकी फॉरन मिनिस्टर माइक पॉम्पियो ने अखबार वालों को बताया कि ने इस ऑर्डर के तहत वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो पर नई पाबंदियां लगाई हैं अमेरिका का ईरान और वेनेजुएला पर इल्जाम है कि उन्होंने लगभग दो वर्षों तक यूनाइटेड नेशंस की तरफ से हथियारों पर पाबंदियों की खिलाफवर्जी की है अमेरिका की तरफ से ईरान पर यूनाइटेड नेशंस की तरफ से लगाई गई सभी पाबंदियाँ जो खत्म हो चुकी हैं फिर से बहाल किए जाने के बारे में कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि हो सकता है कि इससे अमेरिका ईरान को उकसाने की कोशिश कर रहा है ताकि तनाव बढ़े तो ट्रंप को इलेक्शन में फायदा पहुंच सके अमेरिका की धमकियों के बीच ईरानी फॉरेन मिनिस्टर मोहम्मद जवाद जरीफ का कहना है कि तेहरान को यूरोप और वेस्टर्न मुल्कों के हथियारों की कोई ज़रूरत नहीं है और अक्टूबर में यूनाइटेड नेशंस की पाबंदियां हटने के बाद वो रूस और चीन से अपनी ज़रूरत के हथियार खरीदेगा जरीफ ने एक टीवी इंटरव्यू के दौरान कहा कि हम यूरोपीय हथियारों के खरीदार नहीं हैं वैसे भी उन्होंने उन्नीस की रेवोल्यूशन के बाद से हमें हथियार नहीं बेचे हैं यहाँ तक के 1980 की दहाई में ईरान-इराक जंग के दौरान उन्होंने तेहरान को हथियार नहीं बेचने का कैंपेन चलाया था उन्होंने कहा कि अब हम उन्हें हथियार बेचने पर मजबूर नहीं कर सकते और हमें उनके हथियारों की जरूरत भी नहीं है जरीफ का कहना है कि दुनिया में खरीदे जाने वाले हथियारों का एक चौथा हिस्सा खाड़ी के मुल्कों के जरिए खरीदा जाता है लेकिन ईरान उसमें शामिल नहीं है उन्होंने कहा कि ईरान अपनी स्ट्रेटेजिक ज़रूरतों को रूस और चीन जैसे मुल्कों से हथियार खरीद कर पूरा कर सकता है वैसे भी ईरान बहुत से हथियारों के बनाने में आत्मनिर्भर यानी सेल्फ रिलायंट है बल्कि एक्सपोर्ट भी करता है यूनाइटेड नेशंस की पाबंदियों के हटने के बाद वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक दूसरे मुल्कों से हथियारों की तिजारत के लिए आज़ाद होगा अमरीका की ईरान के खिलाफ धमकियों के दरमियान रूस की फॉरेन मिनिस्ट्री ने एक बयान जारी करके कहा है कि मॉस्को को अमरीकी पाबंदियों का कोई डर नहीं है और रूस ईरान के साथ कोऑपरेशन जारी रखेगा रूस के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर सरगई रियाबकोफ ने मंडे को अमरीका की उस धमकी का जवाब दिया जिसमें उसने कहा था कि जो मुल्क ईरान के साथ कारोबार करेगा उसे पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा रूस की न्यूज़ एजेंसी तास ने बताया है कि रियाब कोफ ने मास्को में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि रूस को पाबंदियों की आदत है और ईरान को हथियार बेचने की वजह से अमरीकी पाबंदियों से उसे बिल्कुल डर नहीं है इसके अलावा कल ही 21 सितंबर को रूस ने काफकाज़ मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू की है जिसमें अस्सी हज़ार फौजी हिस्सा ले रहे हैं और आर्मेनिया, बेलारूस चीन ईरान म्यांमार और पाकिस्तान के फ़ौजी इसमें शरीक हैं ये मिलिट्री एक्सरसाइज 26 सितंबर तक जारी रहेगी जिसमें रूसी इमरजेंसी मिनिस्ट्री और रूसी गार्ड के अफसर हिस्सा ले रहे हैं इसके अलावा आज़रबाईजान इंडोनेशिया कज़ाखस्तान ताजिकिस्तान और श्रीलंका के फ़ौजी अफसर एक्सरसाइज में ऑब्जर्वर के तौर पर हिस्सा ले रहे हैं इन सभी वाकयात पर नज़र रखने वाले लंदन में रहने वाले सीनियर अरब जर्नलिस्ट अब्दुल बारी अतवान का कहना है कि अमरीका की तरफ से नई पाबंदियां जंग का ऐलान है जो अमरीका में प्रेसिडेंट इलेक्शन से छः हफ्ते पहले किया गया है कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अमेरिका ने कोई प्लान बनाया है जिसे लागू करने की कोशिश शुरू हो गई है हो सकता है कि अमेरिका खाड़ी के इलाके में या ओमान के समंदर में ईरान की कोई बोट या जहाज पकड़े जिस पर ईरान कोई जवाबी कार्रवाई करे तो अमरीका को बड़े पैमाने पर हमले का बहाना मिल जाए इसके अलावा अमेरिका को ईरान पर इंटरनेशनल पाबंदी लगवाने का मौका भी हाथ आ जाए अतवान कहते हैं कि ट्रंप सरकार की यह सोच है कि अगर किसी तरह ईरान अमेरिका के टारगेट्स पर हमला कर देता है तो मुल्क की आवाम उनकी सपोर्ट में खड़ी हो जाएगी पोम्पियो इस सोच के कट्टर सपोर्टर्स में गिने जाते हैं और ईरान के खिलाफ जंग के प्लान को मेहनत से आगे बढ़ाने वालों में शामिल हैं ये शायद आने वाले इलेक्शन में ट्रंप को हार से बचाने की आखिरी कोशिश है आने वाले हफ्तों में ईरान के खिलाफ अपने इस प्लान पर अमल करने के लिए ट्रंप सरकार ने तैयारी के तौर पर कई कदम उठाए हैं इसमें अमरीका ने ईरान से पेट्रोकेमिकल लेकर वेनेजला जाने वाले जहाज़ों को पकड़ा जिसे ब्लूमबर्ग ने समुद्र डकैती का नाम दिया था इसी तरह पिछले ट्यूजडे को अमेरिका की निगरानी में व्हाइट हाउस में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और बहरीन ने इसराइल के साथ अमन समझौते पर दस्तखत किए जिसकी अहम शर्त यह है कि दोनों अरब मुल्क अपनी वायु सीमाएं इजरायली मुसाफिर और फौजी जहाजों के लिए खोल देंगे जिसका मतलब यह है कि ईरान से किसी भी टकराव की हालत में अमरीका और इसराइल इन दोनों अरब मुल्कों के एयर स्पेस का इस्तेमाल करेंगे तीसरा वाक़ा ये हुआ है कि अमरीका की पॉलिटिको मैगज़ीन ने एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट छापी है जिसमें दावा किया गया है कि ईरान ने खुद फोर्स के कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी के मारे जाने का बदला लेने के लिए साउथ अफ्रीका में अमरीका की एम्बेसडर को कत्ल करने का प्लान बनाया था साउथ अफ्रीका ने इस रिपोर्ट को ग़लत बताया है लेकिन मीडिया ने इसे बड़े पैमाने पर कवरेज दी इसी बीच यूरोपीय यूनियन के फॉरेन मिनिस्टर जोसेफ बोरेल ने कहा है कि अमेरिका को ये हक नहीं है कि ईरान पर इंटरनेशनल पाबंदियां लगाए क्योंकि वो परमाणु समझौते से निकल चुका है मॉस्को के क्रेमलिन हाउस के स्पोक्स पर्सन ने कहा है कि अमेरिका ने सिक्योरिटी काउंसिल की अनदेखी की है और ख़ुद सिक्योरिटी काउंसिल बन बैठा है ईरान के प्रेजिडेंट हसन रूहानी ने दो टूक लफ्जों में कहा है कि अगर अमरीका ने ईरान पर पाबंदियाँ लगाईं तो ईरान जवाब देगा और अमरीकी मांगों के सामने ने कभी नहीं झुकेगा। का कहना है कि ट्रंप हर हाल में इलेक्शन जीतना चाहते हैं और इसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार हैं चाहे उन्हें पूरे इलाके को भस्म कर देने वाली जंग ही क्यों ना छेड़नी पड़े या अमेरिका में नस्लवाद का तूफान खड़ा करना पड़े जो अमरीका को कई टुकड़ों में बांट दे फॉर्मर अमरीकी प्रेसिडेंट जेमी कार्टर ने ईरान में कैद किए गए अपने जासूस डिप्लोमेट्स को रिहा कराने के लिए ईरान पर हमले का प्लान बनाया था और इस प्लान की नाकामी जेमी कार्टर का पॉलिटिकल कैरियर ले डूबी थी उसी तरह हो सकता है कि ट्रंप को भी भारी शिकस्त का सामना करना पड़े साथ ही इसराइल को भी अपनी हिस्ट्री की सबसे बड़ी हार का मुंह देखना पड़े क्योंकि वो जंग में शामिल ज़रूर होगा इन हालात में न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपने एडिटोरियल में लिखा है कि कभी वॉशिंगटन यूरोपीय मुल्कों बल्कि रूस और चीन के साथ मिलकर ईरान को अलग थलग करता था लेकिन अब अमेरिका खुद ही अलग थलग हो गया है आज की इस रिपोर्ट से आप ये तो समझ ही गए होंगे कि अमेरिका ऐसा कोई काम नहीं कर रहा जिसमें इंसान ियत की भलाई हो वो सिर्फ अपने फायदे के लिए दुनिया के किसी भी मुल्क में तबाही ला सकता है सिर्फ इसराइल को बचाने के लिए ईरान को मुसलसल धमकियां देने से अब दुनिया के मुल्क भी थक चुके हैं अब यूनाइटेड नेशंस में उसके साथ कोई नहीं रहा यूरोप के तीन बड़े मुल्क ब्रिटेन फ्रांस और जर्मनी और साथ ही रूस और चीन अब अमेरिका के साथ नहीं है ट्रंप बहादुर जिसको चाहते हैं धमका देते हैं ऐसे में हालत ये हो गई है कि ईरान वेनेजुएला तक पहुंच गया इसराइल के खिलाफ हिजबुल्ला और हमास को मदद देता है रूस और चीन ईरान और सीरिया के साथ हैं ऐसा लगता है कि खाड़ी के एक तरफ बड़ी बड़ी इमारतें गिर रही हैं जबकि दूसरी तरफ ऐसी ताकत उभर कर सामने आ रही है कि ईरान के साथ रूस और चीन है और अमेरिका को यूरोप के अहम मुल्क भी सपोर्ट नहीं कर रहे अब ये समझना मुश्किल नहीं रह गया है कि अमेरिका की ताकत दिन ब दिन कम हो रही है इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें थैंक यू धन्यवाद शुक्रिया जय भारत जय हिंद मीडिया स्टार वर्ल्ड की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप इंस्टाग्राम फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें